तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को तुम देखोगे तो कहते हैं, एक ट्रांसफार्मर यूज टू लाइट। अगर एक अपने पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, आई होप कि आपको पता होगा ये, ऐसे आप ट्रांसफार्मर 3D व्यू बना देता हूँ। चलो, तो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर है ऐसे कुछ, तो इससे जो है इज यूज टू लाइट 100 वाट एंड 110 वोल्ट लैम्प में 220 वोल्ट मेन सप्लाई। तो जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई का क्या मतलब होता है बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ, मेन सप्लाई मतलब इनपुट वोल्टेज, और ये जो डेटा है जो आप देख रहे हो, 100 वाट 100, ये आउटपुट है, ठीक ना। तो इधर जो लगता है वो इनपुट है, इस साइड जो लगता है, ये वाली जो साइड लगता है वो इनपुट है, और यहाँ से AC सोर्स लगता है, और इधर जो लगता है वो अपना आउटपुट है। तो ये वाली यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे जो पावर मिला, पावर आउटपुट, वो अपना 100 वाट है। क्वेश्चन को समझना, तो ये ट्रांसफार्मर यूज लाइट 100 वाट, और इसकी जो वोल्टेज V1 है वो है, V2 है, इधर V2, वो 110 वोल्ट का अपना बल्ब है, और ये, और इनपुट इधर जो वोल्टेज इनपुट अपने लगा रहे हो 220 वोल्ट है यहाँ से। इफ द मेन करेंट इज 0 पॉइंट, मेन करेंट मतलब I1, यहाँ से जो I1 करेंट है वो 0.5 एम्पीयर है, और यहाँ से V1 जो है 220 वोल्ट मेन सप्लाई यहाँ से दिया हुआ है। तो ये सारा डेटा दिया है, तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर निकालना है। देखो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, अगर मैं कैलकुलेट करूँ इफिशियंसी, तो बेसिक डिफिनेशन क्या है इफिशियंसी निकालने का? तो अगर चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो इफिशियंसी ईटा जो डिफाइन होता है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ठीक ना। और अगर तुम्हें पावर इनपुट और मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ से जो सॉरी पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय पावर आउटपुट, ये वाली चीज़, तो इफिशियंसी अगर मैंने परसेंटेज में दिया है, हाँ परसेंटेज में है, तो पावर आउटपुट यहाँ से दिया हुआ है, ये पावर आउटपुट 100, और ये पावर इनपुट मतलब I1 V1, और मल्टीप्लाइड में परसेंटेज में दिया है तो 100। तो जो ईटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ से I करंट I1 0.5 एम्पीयर, और यहाँ से V1 जो है वो 220 वोल्ट यहाँ से दिया हुआ। तो अगर मैं ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से हट जाएगा, और 1 0 इससे कट जाएगा, ठीक ना, और यहाँ से 5 से कट जाएगा, यहाँ से 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा लगभग ये 2000 अपॉन यहाँ से 22, ठीक है, 2000 अपॉन 22 मतलब ये आ जाएगा 1000 1000 अपॉन 11। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 90.9% अप्रॉक्सीमेटली जो है, 90% जो है अपना सही होगा, दैट इज़ बी ऑप्शन सही है।